नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं राघव जी की। प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी पर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगने के बाद उनकी अपनी पार्टी और उसकी सरकार ने मौन साध लिया है। मामले के उजागर होने के साथ ही पूरी पार्टी के साथ साथ सरकार बेहद बुरी स्थिति में आ गई है। जिधर कान लगाओ उधर ही राघव भाई के किए की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये क्या किया राघव भाई आपने। राघव भाई यही एक नाम है जो पूरे देश के गलियारों में लगातार ही चर्चा का विषय बना हुआ है। राघव जी का इस्तीफा हुआ और पूरा मामला ऐसे आग की तरह फैला कि पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार का धुआं निकल गया। इसके बावजूद राघव जी की चर्चा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। राघव जी की अश्लील करतूतों की शिकायत खाकी के पास पहुंचने के साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन राघव जी के मामले ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसकी अपनी 9.5 साल पुरानी सरकार को मौन कर दिया है। राघव जी का इस्तीफा लेने वाले सरकार के मुखिया भी चुप ही है। अब पूरे मामले को लेकर आम लोगों में बहस छिड़ चुकी है। पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे की वानगी बार बार पेश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया राघवी कृत्य को बीजेपी की संस्कृति करार दे रहे हैं तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने ही अंदाज में बयानबाजी कर माहौल बना रहे हैं। अजय सिंह बनाम राहुल भैया सारी बातें पार्टी से अलग होकर अपने तय बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ये कृत्य देश में अलग तरह का मामला है, इसे लेकर कांग्रेस उत्साहित नहीं है, लेकिन मामले के उजागर होने के बाद पूरा प्रदेश शर्मसार जरूर है। अजय सिंह के बोल बेहद कटाक्ष भरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यौन शोषण कोई मुद्दा नहीं है और हम इस घटिया कृत्य से उत्साहित भी नहीं है। अब जब से ये बयानबाजी हो रही है तब से प्रदेश भर में अलग ही तरह का माहौल बन गया है। बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और आम लोगों में भी घटना के उजागर होने के बाद गुस्सा सा देखा जा रहा है। हाल यह है कि ज्यादातर भाजपा नेता वित्त मंत्री के किए का खुलासा होने के बाद शहर में ही दिखाई नहीं दिए, जबकि कांग्रेसी गलियारों में चर्चा वीरों ने जमकर मैदान संभाला। अब राघव जी की चर्चा आम लोगों के साथ साथ हर वर्ग में की जा रही है। वित्त मंत्री राघव भाई अपने ही नौकर राजकुमार के खाकी को दिए शिकायती शपथ पत्र के शिकार हो ही गए। अब इसी के साथ एक बार फिर वो सीडी भी चर्चा में आ गई है जिसमें राघव जी का सच छुपा हुआ है। इस सीडी को बार बार दबाया जा रहा था, जबकि अब राजकुमार भी कह रहा है कि ऐसी एक सीडी है। अब राघव भाई और उनकी करतूत की चर्चा राजधानी से लेकर प्रदेश भर के गलियारों में की जा रही है, जबकि सीडी कहाँ है, किसके पास है, इस बात की जानकारी कहीं से भी नहीं आ रही है। 10 सालों में 10 बार प्रदेश का बजट पेश करने का कीर्तिमान रचने वाले वित्त मंत्री राघव भाई को अंततः चुनाव के पहले इस्तीफा देना पड़ा। राघव जी पर इस बार उन्हीं के अपने बंगले में रहने वाले राजकुमार दांगी ने गंभीर आरोप लगाए और मामले की शिकायत एक शपथ पत्र के माध्यम से पुलिस में कर दी। कहा जा रहा है कि जैसे ही मामला खाकी के संज्ञान में आया वैसे ही मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँचा दिया गया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बड़ा निर्णय लेते हुए राघव जी का इस्तीफा बुलवा लिया। अब राघव भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा किसी दबाव में नहीं बल्कि मुखिया जी के परामर्श पर दिया है। इधर कांग्रेस चाहती है कि पूरा मामला उसी तरह चलाया जाए जैसे एक सामान्य व्यक्ति की शिकायत आने के बाद पुलिस द्वारा चलाया जाता है। कांग्रेस राघव जी के बहाने सरकार पर भी कटाक्ष करना नहीं भूल रही है। उसका कहना है कि चुनाव के 4 माह पहले ही मुख्यमंत्री को पता चला कि राघव जी 80 बरस के हो चले हैं और उनका अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। वैसे सबसे खास बात तो ये है कि राघव भाई इस्तीफा तो सौंप चुके हैं और दागदार भी हो चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं आई। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का ये दूसरा विकेट है जो चुनावी साल में गिरा है। पहला मामला विजय शाह से जुड़ा था जब उन्होंने मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी के नाम का जिक्र कर विवादित बात कहती थी और पूरी कांग्रेस उद्वेलित हो गई थी। अब एक बार फिर राघव जी के प्रकरण ने यकायक ही जोर पकड़ लिया है और कांग्रेस को फिर बैठे बैठाए गर्मा गर्म मुद्दा मिल गया। हालांकि कांग्रेस फिलहाल प्रहार के मूड में नहीं है, लेकिन पार्टी खुद राघव भाई मामले में पूरी तरह से कटघरे में घिरी नजर आ रही है। आम लोगों में ये चर्चा घर घर की जा रही है कि क्या यही है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। आईडिया अध्यक्ष के साथ साथ राव विधानसभा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे मधु वर्मा को प्रदेश के मुखिया शिवराज ने अंततः लाल बत्ती का लॉलीपॉप थमा ही दिया। वो राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष तो बना दिए गए, लेकिन मधु अब अपने दोनों लक्ष्यों को कभी भेद नहीं पाएंगे। मधु वर्मा की नियुक्ति से उनकी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है।
और चर्चा हो रही है राव विधानसभा में। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे मधु वर्मा को एक बार फिर लाल बत्ती का सुख चुनावी साल में मिल गया। इससे पहले मधु वर्मा फिर से आईडी अध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। इसी के साथ उनका नाम भाजपा नगर अध्यक्ष के लिए बड़ी ही गंभीरता से चलाया जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके लिए एक तीसरे ही पद पर मोहर लगाकर उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया। अब मधु वर्मा की इस नई नवेली नियुक्ति को लेकर पूरी पार्टी के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि मधु वर्मा का अब तक आयोग में कम और आईडीए जैसी एजेंसी में कामकाज करने का अच्छा अनुभव था, लेकिन उन्हें अचानक ही एक ऐसे आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया कि अब उन्हें पूरे प्रदेश के गलियारों में घूम घूम कर अपनों के उत्थान के लिए काम करना होगा। आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद वर्मा समर्थकों में ही कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। वर्मा समर्थकों को लग रहा था कि अब की बार वो राव विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार होंगे और सालों पुरानी तमन्ना पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रदेश के मुखिया के इस निर्णय के बाद राव सीट का चुनावी गणित पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। मौजूदा विधायक जीतू जिराती के लिए ये सबसे बड़ी राहत बताई जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिराती का भी टिकट राव से 100% पक्का है ये कहना अभी भी मुश्किल है। यहाँ अब ये जरूर मानकर चला जा रहा है कि मधु वर्मा अब टिकट की दौड़ से बाहर हैं और वो अपना लक्ष्य हासिल करने में कुछ चलने के बाद बाहर हो गए हैं। आजकल राजनीति में विचार नहीं बल्कि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो चले हैं। अब इंदौर के कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि 2 नंबरी विधायक रमेश मेंदुला ही शहर का विकास करने का मादा रखते हैं। इन शुभचिंतकों ने बाकायदा एक विज्ञापन समाचार पत्रों में छपवाया और दादा दयालु यानी रमेश मेंदुला की खूबियों का वर्णन कर डाला है। इन कार्यकर्ताओं की मंशा है कि यदि मेंदुला भाजपा के नगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो न केवल कार्यकर्ताओं की सुनेंगे बल्कि आम लोगों की तकलीफों को भी दूर करने के साथ साथ शहर का विकास भी करेंगे। अब ये विज्ञापन पार्टी कार्यालय के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कहा जा रहा है कि विज्ञापन तो छप गया लेकिन उसके पीछे की सोच कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अखबार में छपे इस विज्ञापन पर ध्यान लगाया जाए तो इसमें एक निवेदन है जो अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से किया गया है। इस विज्ञापन में बकायदा एक बड़ा सा फोटो जो कि विधायक रमेश मेंदुला का है, लिखा गया है कि जनता की ठीक से सुनवाई नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, शहर का विकास भी नहीं हो रहा है, शासकीय कार्यालयों में सुनवाई भी नहीं हो रही है। निवेदन है रमेश जी मेंदुला को शहर अध्यक्ष बनाने बाबत निवेदन सिर्फ कार्यकर्ता सेवाराम प्रताप महेश किशन और चंद्र कुमार मित्र मंडल। अब इस विज्ञापन से समझ नहीं आता कि आखिर एक व्यक्ति कैसे इस शहर की दशा और दिशा को सुधार सकता है और कैसे देश के एक सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भाजपा को व्यक्ति से मुक्त करवा कर विचार वाली पार्टी बना सकता है। अब जब से ये विज्ञापन अखबारी पन्नों पर छपा है तभी से शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ चर्चावीरों का कहना है कि छपा विज्ञापन बगैर मेंदुला की सहमति छप नहीं सकता, जबकि समर्थकों का अपना तर्क है, कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। इधर रणनीतिकार मानते हैं कि अगर विज्ञापन उनकी सहमति से छपा है तो ये राजनीतिक अपरिपक्वता मानी जाएगी। इस बीच एक चर्चा और चल पड़ी। मेंदुला समर्थकों का ये भी कहना है कि विज्ञापन मेंदुला को बगैर विश्वास में लेकर छपाया गया है, यही कारण है कि विज्ञापन देने वालों ने अपने अपने पूरे नामों का जिक्र नहीं किया। और अंत में बात करते हैं अटल ज्योति अभियान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी योजना अटल ज्योति अभियान की सच्चाई प्रदेश भर के गलियारों में जल्द ही पता चल जाएगी, लेकिन इससे पहले इंदौर उज्जैन संभाग के हजारों विद्युत कर्मी सरकार के इसी अभियान की सच्चाई का सच उजागर करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मांगे नहीं मानी तो अटल ज्योति अभियान का सच सामने आ जाएगा। साल चुनावी है और सरकार को उसके अपने कर्मचारी ही हैरान परेशान किए हुए है। सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की जो जो मांगे पहुंच रही है उन्हें वो खुद ही सकारात्मक माहौल बनाकर कर्मचारी जगत का हित करती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे कर्मचारी बाकी हैं जिनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई ही नहीं जा रही। कर्मचारी सरकारी अफसरों के इसी रवैये से खफा हैं और सरकार से भी बेहद नाराज हैं। नाराजगी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब कर्मचारी सरकार को ही ब्लैकमेल करने की योजना पर काम करने लगे हैं। बिजली कर्मचारी जगत से जो खबरें आ रही है उन पर अगर भरोसा करें तो कहा जा रहा है कि कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना अटल ज्योति अभियान का सच जग जाहिर करने की ठान ली है।
ये भी कहा जा रहा है कि समय रहते उनकी 11 सूत्री मांगे नहीं मानी गई, तो तय समझे वो अटल ज्योति अभियान की सच्चाई पर ग्रहण लगा देंगे, फिर प्रकाशमान होता प्रदेश अंधेरे की ओर रुख कर जाएगा। अब जब कर्मचारी ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में राजधानी से लेकर दो दो संभागों के गलियारों में हलचल देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि विद्युत कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक पत्र मंत्रालय तक भेजा जा चुका है। यूं भी बिजली कर्मचारियों की मांगों पर गौर करना सरकार की फिलहाल सबसे बड़ी मजबूरी है। चुनावी साल में सरकार बिजली कर्मचारियों को तो बिचकाना नहीं चाहती, उसे पता है यदि ये कर्मचारी बिफर गए तो अटल ज्योति अभियान का ठप्प होना तय है। शायद इसलिए कर्मचारी खुद ही पहले से हर दिन कह रहे हैं कि हमारी 11 सूत्री मांगे नहीं मानी गई, तो खुद ही अभियान की पोल खोल देंगे। फिर ना कहना ये क्या कर दिया कर्मचारियों ने। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।